YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, क्या आपको बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाय करना चाहिए तो किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, किस लेवल के बाद इसमें तेजी आ सकती है, किस लेवल के बाद ये शेयर और ज्यादा गिरावट दिखा सकता है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया देख लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया जो है एक लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मार्केट कैप 29,000 करोड़ का है। देखिए सारा चीज इसके बाद यहाँ पर निगेटिव है, सिर्फ मार्केट कैप ही पॉजिटिव दिख रहा है आपको, उसके बाद सब चीज निगेटिव है। डेट 2,00,000 करोड़ का यहाँ पर डेट है, 2,00,000 करोड़ का, और जो 5 साल पहले था मात्र 40,000 करोड़ का डेट था, तो डेट लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व -81,000 करोड़ का है, तो रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग 72% है, ये अच्छा खासा है। तो पूरी तरह से जो कंपनी का फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व और डेट इतना ज़्यादा है जो कंपनी पे नहीं कर सकती है। हाँ, इसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाए, कोई रिलीफ पैकेज मिल जाए, क्योंकि AGR का जो ड्यूज है वो माफ कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये कंपनी सरवाइव कर सकती है। अब बात करते हैं यहाँ टेक्निकल चार्ट पर। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक्स यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल बना रखा है वो है 9.30 रुपीज़ का। 9.30 रुपीज़ के नीचे जाता है तो इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें देखने मिलेगा। और वहीं बात करें तेजी का, तो जब तक ये स्टॉक्स 12.30 रुपये के ऊपर नहीं निकल जाता है, 12.30 रुपीज़ के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक हमें इसमें तेजी देखने नहीं मिलेगा। तो जब तक ये इस रेंज में है, इस दो लेवल पे, ये रेसिस्टेंस लेवल है जो कि है 12.40 रुपये और जो सपोर्ट लेवल है वो है 9.30 रुपीज़, और इस रेंज के बीच जब तक है ये स्टॉक्स का ये एक रेंज बाउंड मोमेंटम है या कहें साइडवेज मोमेंटम है। तो जिस और रेंज को ब्रेक करता है, रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, निश्चित रूप से हमें तेजी देखने मिलेगा, और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिल सकता है। वहीं इसका जो रिसेंट हाई है 16.80 रुपये का, अगर उसको ब्रेक करता है ये स्टॉक्स, निश्चित रूप से काफ़ी गजब का मोमेंटम देखने मिलेगा और हमें 20 रुपीज़ तक का टारगेट मिल सकता है। तो पहला आपको वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो अवॉइड करने चाहिए। दूसरा, अगर आपको बाय करना है तो निश्चित रूप से 12.40 रुपीज़ के ऊपर निकलता है या 12 रुपीज़ कम से कम 30 पैसा ऊपर निकलता है तो इसमें तेजी हमें देखने मिलेगा, और अगर ये 9.30 रुपीज़ को ब्रेक कर देता है तो फिर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है। वीक तो पहले से ही है, देखिए यहाँ पर जो स्टॉक का मोमेंटम है वो डाउन ट्रेंड में है। देखिए लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, देखिए इस तरह से, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, तो ये देखिए लगातार लोअर लो बना रहा है, फिर से ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, तो देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर जब तक हमें हाइयर लो और हाइयर हाई देखने नहीं मिलता है तब तक हम इस स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। देखिए जैसे ही शेयर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है और हाइयर हाई हाइयर लो बनाना शुरू करता है, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। निश्चित रूप से जो रेसिस्टेंस लेवल है वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है इसका जो। तो ये था वोडाफोन आइडिया का एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।